बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। दिस इज योर केमिस्ट्री टीचर ज़ुबैर खान गौरी। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द न्यू टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर वन। वैसे तो हमारा चैप्टर नंबर वन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, बस अब हमारे पास जो एक टॉपिक है वो टॉपिक हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसा कि हमने चैप्टर नंबर वन को इन डिटेल भी पढ़ लिया, हम लोगों ने इसके ब्लॉक भी देख लिए, एस ब्लॉक, बी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ये भी हमने पढ़ चुके हैं। तो एस ब्लॉक एलिमेंट जो है वो हमारे पास ग्रुप वन और ग्रुप टू के हैं। डी ब्लॉक हमारे पास जो है वो ग्रुप थ्री ए से लेके 8A तक हैं, और डी ब्लॉक हमारे पास जो है वो आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स जिसको हम ग्रुप बी कहते हैं, और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे पास इनर ट्रांजिशन एलिमेंट जिसको हम लेंथेनाइट और एक्टिनाइट सीरीज कहते हैं। तो ये तो था हमारे पास एक पीरियोडिक टेबल के बारे में। अच्छा, अब थोड़ा सा हमारे पास ना इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी है, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को रिवाइज करते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट ईयर का टॉपिक था। देखें, हमने एक एफ बाउ प्रिंसिपल पढ़ा था, ये हमारे पास एक प्रिंसिपल था एफ बाउ का प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल बेसिकली था क्या, इसमें ये था कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन भरते हैं वो हमारे पास किस ऑर्बिटल के तहत भरते हैं और किस ऑर्बिटल में सबसे पहले भरे जाएंगे। कहा तो ये जाता है कि जिसकी एनर्जी मिनिमम होगी, जिसकी एनर्जी मिनिमम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन सबसे पहले भरे जाएंगे, और जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में भरे जाएंगे। मिसाल के तौर पे आपके पास 1s की एनर्जी कम है तो, और 2s की एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा है, तो पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाएंगे फिर 2s में जाएंगे। चलें, ये बात तो एक नॉर्मल वे में समझ में आती है कि 1s फिर 2s फिर 2p फिर 3s फिर 3p। लेकिन आगे जाके हम ये देखते हैं कि हमारे पास कुछ ऑर्बिटल ऐसे हैं जो एनर्जी में ज्यादा है और बजाहिर हमें देखते हैं शेल में वो कम है, तो ऐसी सूरत में उन ऑर्बिटल्स को हम इलेक्ट्रॉन में बाद में फिल करेंगे और दूसरे वाले को पहले फिल करेंगे। इसका एक तरीका होता है कि हम इसका एक चार्ट बनाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे पहला शेल है तो पहले शेल में एक ही ऑर्बिटल है s, जब हमारे पास दूसरा शेल है तो दूसरे शेल के अंदर दो ऑर्बिटल हैं, एक 2s एक 2p। इसी तरीके से तीसरे शेल में 3s 3p 3d, चौथे शेल में 4s 4p 4d 4f, इसी तरीके से पांचवें शेल में 5s 5p 5d, फिर उसके बाद डॉट डॉट डॉट, यानी कि ये आगे जा रहे हैं, फिर 6s 6p फिर डॉट 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 डॉट, ये आगे जा रहे हैं, फिर उसके बाद 7s और डॉट डॉट डॉट, ये आगे बढ़ रहे हैं। अब हम ये देखते हैं कि इसको हमने किस तरीके से भरना है। हम क्या करते हैं, ऊपर से इसको वन बाय वन क्रॉस करते हैं। एक तो ये हो गया हमारे पास, फिर दूसरी बारी में जब हमने क्रॉस किया तो हम ये देखते हैं कि पहली बारी में हमारे पास 1s क्रॉस हुआ, दूसरी बारी में हमारे पास 2s क्रॉस हुआ, तीसरे बारी में हमारे पास दो क्रॉस हुए, सबसे पहले 2p और फिर उसके बाद 3s। तीसरी बारी में हम ये देखते हैं कि हमारे पास पहले 3p क्रॉस हुआ फिर उसके बाद 4s क्रॉस हुआ। पांचवी बारी के अंदर हम ये देखते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं, पांचवी बारी में हम देखते हैं हमारे पास तीन सब ऑर्बिटल क्रॉस हुए, एक हमारे पास हुआ 3d, एक हमारे पास हुआ 4p और फिर उसके बाद 5s। फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि 4d से क्रॉस होता हुआ 5p और 6s, इसको मैं थोड़ा सा लेवल पे ले आता हूं, और फिर उसके बाद फाइनली हम देखते हैं 4f 5d 6p एंड 4s हमारे पास ये क्रॉस हुआ। अब ये जो हमारे पास क्रॉसिंग मेथड है ना, इस क्रॉसिंग मेथड से हमें एक सीक्वेंस मिल जाती है। वो सीक्वेंस क्या है वो मैं आपको यहां लिख के बताता हूं। सबसे पहले 1s था, फिर उसके बाद आप देखें 2s, फिर उसके बाद आप देखें यहां से अगर आप देखें तो पहले 2p और फिर 3s, फिर उसके नीचे आप देखें तो 3p और फिर 4s, और उसके आप नीचे देखें 3d 4p और फिर 5s, उसके नीचे
4P के बाद 5S, 5S के बाद हम देखते हैं कि हमारे पास 4D है, फिर 5P है, उसके बाद 6S है, then 4F, 5D, 6P एंड 7S। तो ये हमारे पास जो एक सीक्वेंस आई है, इस सीक्वेंस में गौर करने वाली बात ये है कि 3P के बाद 4S आया। क्यों? क्योंकि 3P का एनर्जी लेवल विद रिस्पेक्ट टू 4S कम है, तो मिनिमम एनर्जी में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। ये हमारे पास एफबाव प्रिंसिपल का जो मेन पॉइंट है वो यही है कि मिनिमम एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाएंगे। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि 4S के बाद आ रहा है 3D, इसका मतलब ये हुआ कि 4S का जो एनर्जी लेवल है वो 3D के निस्बत कम है। 3D का एनर्जी लेवल 4S से बड़ा है, इसलिए जो है वो हमने 4S में इलेक्ट्रॉन पहले भरा और 3D के अंदर हमने बाद में भरा। तो ये हमारे पास एक सीक्वेंस होती है। इस सीक्वेंस से हमें पता चलता है कि हमने इलेक्ट्रॉन को किस तरह भरना है। लेट सपोज अगर हमारे पास एक एलिमेंट है जिसके पास एटॉमिक नंबर है 24, तो अब हमने उसको किस तरीके से फिलअप करना है। और हम ये बात भी जानते हैं कि एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश होती है, पी में 6 की, डी में 10 की और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन की। और चूंकि हमने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा था कि हमने एक नोट भी दिया था आपको कि D4 एंड D9 नॉट पॉसिबल, ये हम लोगों ने एक पढ़ा था, तो इसलिए हमने इसको पहले से नोट कर लिया। मैं काम करूंगा कि जब ये वीडियो अपलोड करूंगा तो मैं वो फर्स्ट ईयर की जो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जो वीडियोस थी वो उसका भी मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा ताकि आप उसको आसानी से देख लें। ठीक है, तो ठीक है, जो हम यहाँ पर देखते हैं, सपोज करें मेरे पास एक एलिमेंट है एक्स और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 24, तो अब किस तरह भरेंगे? सबसे पहले 1s की बारी आएगी, 1s में 2, फिर उसके बाद 2s की बारी आएगी, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, फिर उसके बाद 2p की बारी आएगी, p में 6 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। इस तरह हमने अभी तक 10 इलेक्ट्रॉन भर दिए, देखिए मैंने कोने में लिख लिया। फिर 2p के बाद 3s की बारी आती है, 2 इलेक्ट्रॉन और भरे, 12 भर दिए मैंने। फिर उसके बाद 3p की बारी आती है, उसमें मैंने 6 भरे, तो टोटल मैंने अब 18 इलेक्ट्रॉन भर। 3p के बाद 4s की बारी आती है, तो मैंने 20 इलेक्ट्रॉन भर दिए अब तक। अब 4s के बाद 3d की बारी आती है और 3d में 4 इलेक्ट्रॉन भरने चाहिए, तो हो गए 24। और चूंकि हमने आपको ऊपर नोट लिखवा दिया कि 3d जो है वो d में 4 और 9 नहीं आ सकते, तो ऐसी सूरत में अब हम क्या करेंगे? एग्जाम्पल भी देखें, हमने ऐसी वाली पकड़ी है कि जिसके अंदर हमारे पास 3d में 4 आ रहा है। तो ऐसी सूरत में हमने फर्स्ट ईयर में आपको बताया था, अभी भी हम बता रहे हैं कि ऐसी सूरत में जब 3d4 पॉसिबल ही नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे? हम 3d को 5 कर देंगे और 3s को 1 कर देंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन हमने s से उठा के d में डाल दिया, तो इससे क्या होगा? इससे हमारे पास ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाएगी। चूंकि यहां हमारे पास इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि ये जो एस है, ये एक्स जो है, ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है, ये हमारे पास डी ब्लॉक का एलिमेंट है। तो इस तरह हम पहचान लेते हैं कि ये हमारे पास कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक है, सपोज करें अगर मेरे पास एक है जिसके पास हमारे 32 इलेक्ट्रॉन है, तो अब हम उसको किस तरह भरेंगे? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, जरा काउंट करते हैं कितने भर लिए हमने। 2 + 2 4 एंड 6 10, 10 × 12 12 एंड 6 18, 18 × 20 20 हो गए। अब हमारे पास 3d10 30 हो गए, और फिर उसके बाद 3d के बाद हमारे पास क्या आता है? 4p, तो 4p2, तो हमारे पास ये कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 32 इलेक्ट्रॉन। एक दफा जरा रिकाउंट कर लें, 2 2 4 और 6 10, 10 और 2 12 और 6 18 और 2 20 और 10 30 और 2 32, यानी कि 32। ठीक है,
मैं इसको मिटा दूं, ठीक है, हमारे पास ये 32 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब हम ये देख रहे हैं कि ये हमारे पास पी में जा रहा है, तो ये कहलाएगा पी ब्लॉक एलिमेंट। पहली बात तो ये है कि ये पी ब्लॉक एलिमेंट कहलाएगा, ठीक है। दूसरी बात ये है कि पी में दो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। याद रखिएगा, जब कभी भी हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट आता है तो इसका मतलब है ये ऑलरेडी इसका एस ब्लॉक कंप्लीट है, यानी कि 4p की बात कर रहे हैं तो 4s ऑटोमेटिकली कंप्लीट होगा, तो ये कंप्लीट हुआ। तो s के दो इलेक्ट्रॉन और p के दो इलेक्ट्रॉन चार हो गए, तो इसका मतलब है कि ये ग्रुप 4a से ताल्लुक रखता होगा, ठीक है। तो 4a से किस तरह ताल्लुक रखा, क्योंकि भाई p में दो इलेक्ट्रॉन है तो ये p ब्लॉक का होगा, ठीक है। और p ब्लॉक असल में है कौन-कौन से, 3a से 8a तक वाले p ब्लॉक होते हैं। इसका मतलब है कि ये 3A से 8A में इसके दरमियान में कोई ग्रुप होगा। अब हमें कैसे पता चलता है कौन सा ग्रुप है, हम ये देखते हैं कि भाई P में इसके पास जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, तो P तो हमेशा S के बाद आता है ना, इसका मतलब है S तो कंप्लीट होगा, तो S के दो इलेक्ट्रॉन प्लस कर दें, P में जितने हैं उसमें प्लस कर दें। यहाँ P में दो इलेक्ट्रॉन थे उसमें दो हमने प्लस कर दिए, तो चार हो गए, तो ये हमारे पास ग्रुप 4 का एलिमेंट है। इस तरीके से हम इसमें ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो भी हम फाइंड आउट करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी जो हमने फर्स्ट ईयर के टॉपिक के अंदर पता की थी। तो यहाँ पर हम जो है वो चेक करते हैं कि अगर हमारे पास ग्रुप 1 है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन S1 होगी, अगर हमारे पास ग्रुप 2 है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन S2 होगी, ग्रुप 3A है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन P1 होगी। लेकिन हमने इसको 3 क्यों कहा, इसमें हम एस के दो प्लस कर रहे हैं, 3 हो गए। अगर ग्रुप 4A है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन P2 होगी, और लास्ट सी बात है एस कंप्लीट है, तो 2 और 2 4 हो गई। अगर ग्रुप 5 है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन P3 होगी, और एस हमारे पास 2 कंप्लीट है, तो 3 और 2 5 हो गए। अगर ग्रुप 6A है तो इसमें हमारे पास P4 होगी, लास्ट सी बात है इसका भी एस कंप्लीट होगा, इसलिए 4 और 2 6 होती है। अगर हमारे पास ग्रुप 7A है तो P की इलेक्ट्रॉन 5 होंगे, लास्ट सी बात है इसका भी S कंप्लीट होगा, तो 5 और 2 7 हो जाते हैं, इसलिए इसको ग्रुप 7 कहते हैं। ग्रुप 8A है तो इसका मतलब ये होगा कि इसके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो P6 होगी, और दो हमारे पास S के हैं तो S के 2 और P के 6 मिलके 8 हो गए। याद रखिएगा, इसलिए हम जब कभी भी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप की शो करेंगे तो हम S1, S2 या P1, P2, P3, P4, P5, P6 करके शो करते हैं, लेकिन उसके साथ हम N लगा देते हैं, यानी कि NS1, NS2, NP1, NP2, NP3, NP4, NP5, NP6, ठीक है। यहाँ N से मुराद है के नंबर ऑफ शेल, क्योंकि अब यहाँ नंबर ऑफ शेल कुछ भी हो सकते हैं ना, 1s भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ दिखा रहा हूँ 1s भी हो सकता है, 2s भी हो सकता है, p में आप जाएं 2p भी हो सकता है, 3p भी हो सकता है, 4p भी हो सकता है, 5p भी हो सकता है, तो हमें नहीं पता, नंबर कुछ भी हो सकते हैं। अब जैसे अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप 1 की 1 पे खत्म हो रही है, तो लिथियम की किस पर खत्म हो रही है, आपकी 2s1 पे खत्म हो रही है, किसी की 3s1 पे खत्म हो रही है, किसी की 4s1 पे खत्म हो रही है, तो इसलिए हम इस तरीके से ग्रुप पहचानते हैं। और ये जो 1 2 3 4 है ये हमारे पीरियड बता रहे होते हैं कि कौन से पीरियड का एलिमेंट है, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वीडियो मैं आपको दे दूंगा, तो इसलिए जो है वो हमारी आज की टॉपिक जो है वो एक बड़ा लेक्चर बन जाएगा, आपने यहाँ से देखना है, और फिर उसके बाद आपने सेकंड थिंग जो है वो आपने ये करनी है कि फर्स्ट ईयर का मैं आपको लिंक सेंड करता हूँ, आपने वहां से जो है वो उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एक दफा थॉरली रिकॉल कर लीजिएगा कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, उसमें हमारे पास इन डिटेल मौजूद है। तो कोई क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। आई एम गोइंग टू स्टॉप शेयरिंग। ओके बेटा।